हेलो गाइस, यहाँ पर आपका स्वागत है मेरे एक नए वीडियो में। यहाँ पर है मनी सेविंग का आइडिया और यहाँ पर जो है आज करने वाले हम हेयर कट घर पे ही। काफ़ी अच्छा हेयर कट हुआ था मेरा। यहाँ पर मैं स्ट्रीक्स का हेयर सीरम यूज़ कर रही हूँ क्योंकि मेरे बाल बहुत ही ज़्यादा डिटेंगल थे। इनको सुलझाने के लिए पेन नहीं हुआ इसलिए मैंने थोड़ा सा सीरम यूज़ किया, यहाँ पर अपने बालों पर अप्लाई किया। सीरम को हमेशा जड़ों में नहीं लगाते, यहाँ पर इसको अपनी सारी लेंथ पे लगा रही हूँ जिससे जहाँ भी बाल ऊंचे होंगे ना वो थोड़े से सुलझ जाते हैं। आराम से आप इस पर काम कर सकते हैं। यहाँ पर मैं आराम से लगा रही हूँ। ये मेरा हेयर लॉस इतना ज़्यादा बढ़ गया है जब से मेरी छोटी सी बेबी ने ना थोड़ा सा बातों पर बोलना स्टार्ट करा है। तो हमारे यहाँ कहते हैं जब बच्चा हुंका मतलब हाँ बोलना स्टार्ट कर देता है, आपका रिस्पॉन्स देना स्टार्ट कर देता है, तो आपके जो बाल हैं ना उसी के साथ झड़ने लगते हैं। यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा हेयर लॉस हो रहा है मेरा। और यहाँ पर हम क्या है बैक कॉम्बिंग करेंगे, इसको इस तरीके से चोटी बनाना, अच्छे से इसको सुलझा सुलझा के हम लोग को अच्छे से एक चोटी बना लेनी है प्रॉपरली। इससे क्या होगा ना आपके जो बाल हैं ना वो अगर कहीं पर डिटेंगल होते हैं ना तो वहाँ पर क्या होता है सिकुड़ जाते हैं और जो लेंथ है वो प्रॉपर नहीं आती। इसलिए आपको अच्छे से बालों में कॉम्ब कर लेना है। और यहाँ पर हम अच्छे से कॉम्ब कर लेंगे। देखिए मैं किस तरीके से कि टाइम ले लेके कर रही, यहाँ पर मैंने फास्ट फॉरवर्ड इसलिए कर दिया है क्योंकि आप लोग को ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो और मैं आपको प्रॉपर तरीके से हेयर्स को कट करना बता सकूँ। इस तरीके से मैं हर बार हेयर को कट करती हूँ। जब भी मैं पार्लर जाती थी तो वहाँ पर पैसे तो वेस्ट होते ही होते थे, ऊपर से वो हमारे अकॉर्डिंग लेंथ भी नहीं काटते थे। हम लोग कहते थे थोड़ा सा काटना और वो कहते कहते इतना ज़्यादा काट देती थी। कभी कभी मुझे इतना दुख होता था ना अपने बालों को खो के, बहुत ही ज़्यादा। इस तरीके से चोटी कर लेनी है और हमें इस तरीके से पकड़ के हमें जो हमारी सीजर की हेल्प से हमें अपने जो हेयर्स हैं उसको ट्रिम कर देना। यहाँ पर मैंने तीन जो सीजर थी वो चेंज करी थी। ये इस तरीके से हमें क्या करना है अच्छे से अपने जो नीचे वाले हेयर्स हैं उसको ट्रिम कर लेना। ये हो गई हमारी जो लेयर थी वो ट्रिम। फिर से हम बालों को अच्छे से कॉम करके देखेंगे कि किस तरीके से अच्छे से कॉम हुए हैं, ट्रिम हुए हैं कि नहीं। जो लेंथ है वो ज़्यादा कुछ कम नहीं होती है, उतनी की उतनी ही रहती है, थोड़ा सा ही फ़र्क दिखता है। और आपको किसी किसी को तो वो फ़र्क भी नहीं लगेगा लेकिन बाल आपके अच्छे से ट्रिम हो जाते हैं। यहाँ पर हम लोग जिस भी दिन हेयर्स को कॉम करो ना इस तरीके से अच्छे से प्रॉपरली, यहाँ पर तो वैसे कर ही नहीं पाती हैं क्योंकि घर में रहना रहता है तो जब टाइम मिलता है तभी कॉम हो पाता है मेरे को। और ऐसा कहीं जाना भी नहीं है कि डेली आप सब धज के बैठ जाओ, इसलिए यहाँ पर इस तरीके से हम लोग के बीच का पार्टीशन करके एक साइड के हेयर को कट कर लेना है इस तरीके से, जिस तरीके से मैं कट कर रही हूँ। स्टार्टिंग में आपको प्रॉब्लम आती है, अगर आप हेयर्स को कट करना स्टार्ट करेंगे ना तो आपको बहुत इजी लगने लगेंगे। यहाँ पर इसी कट को करने के लिए ना जो पार्लर वाली अराउंड 200 to 250 रुपीज़ ले लेती है लेकिन मुझे पैसों का कोई वो नहीं है। यहाँ पर क्या बालों की जो लेंथ है ना वो भी गड़बड़ कर हो जाती है पूरी ना, तो वो लोग ये बताते हैं कि आपके बाल इसके बाद इतने ख़राब हो जाएंगे या इतने ज़्यादा कटेंगे। हम लोग कहेंगे थोड़ा थोड़ा काटना, अराउंड 1-1 इंच काटना आप, लेकिन वो लोगों का पता नहीं क्या होता है कि ज़्यादा ही कट जाते हैं और जितना जो हेयर्स की लेंथ आती है ना वो काफ़ी कम आती है। इस तरीके से मैं तो ये दूसरे साइड्स के हेयर्स हैं उनको भी ट्रिम कर लूँगी आराम से। और ये इतने अच्छे से ट्रिम हो गए थे ना सारे हेयर्स को, आपको कैसे लगे आप लोग बताइएगा ज़रूर कि मैंने हेयर्स को कितनी अच्छे तरीके से कट किया है। आप लोग अगर ट्राई करें तो मुझे बताइएगा कि आपने मेरा ट्रिक अपनाया है कि और भी कोई ट्रिक्स हैं जिसके कारण हम और इजीली तरीके से अपने हेयर्स को कट कर सकें। इस तरीके से सारे जो हेयर्स हैं ना उनका पार्टीशन कर करके हमें क्या करना है थोड़ा सा ट्रिम करते ही जाना और लेंथ देखती जानी है कि ज़्यादा ट्रिम ना हो। और दोनों साइड के जो हेयर्स हैं वो एकदम बराबर कैसे लग रहे हैं, मैं काफ़ी खुश थी क्योंकि मॉर्निंग उठ के मेरे ने हेयर कट करना स्टार्ट कर दिया था। अभी छोटी सी बेबी जो है वो सो रही थी। और यहाँ पर अब हम कट करने वाले हैं अपने आगे के जो फ्रंट के जो हेयर्स रहते हैं वो, इनको इस तरीके से हमें क्या करना है ट्राइंगल में
हेयर्स को लेना है तिरछी, और इसको क्या करना है, इस तरीके से रोल कर लेना है हमें। अच्छे से रोल कर लिया है मैंने बालों को, और इसको इस तरीके से ट्रिम कर लेना है। और इससे क्या होगा ना, जबकि हेयर्स हैं उसकी लेंथ सामने वालों की कम नहीं होगी, लेकिन एक अच्छा स्टाइलिश लुक आ जाता है सामने। और आपको जितनी लेंथ करनी हो उतना ट्रिम कर लें, और उसको कैसे लग रहे हैं आपको मेरे हेयर्स बताइएगा ज़रूर। ये देखो छोटी सी नन्ही सी बिट्टू सो रही है, उसके डैडी भी सो रहे हैं बगल में, और जग गई है ये तो। उसकी गुड मॉर्निंग हो गई, और यहाँ पर शुरुआत होती है मेरी मॉर्निंग की इसके साथ, इसकी स्माइल के साथ। ये देखिए इतने ज़रा से बाल हैं, जो ये सारे मेरे जो आज डिटेंगल करते हुए झड़े हुए बाल हैं। और यहाँ पर तीन तीन सीजर्स थी जिनको चेंज करके एक लास्ट में मिल गई थी। और ये हमारे हेयर्स हैं जो बहुत ही कम क्वालिटी। और कैसे लगा मेरा हेयर कट क्या आइडिया आप लोग बताइएगा ज़रूर। पसंद आए तो लाइक करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।